ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे के अंदर नाइजीरियाई लोगों पर चार हमले के बाद केंद्र और यूपी सरकार अलर्ट पर है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दखल के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे पहले एनएसजी सोसाइटी में रहने वाले छात्र की मौत के बाद नाइजीरियाई नागरिकों पर हमले को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल ग्रेनो के एनएसजी सोसाइटी में रहने वाला मनीष शुक्रवार रात घर के सामने से गायब हुआ था। अगले दिन वह नशे की हालत में घर लौटा। खून की उल्टियां होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले 5 नाइजीरियाई युवकों पर अपहरण कर नशीले इंजेक्शन देने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को पूरे दिन लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान परी चौक से गुजर रहे 2 नाइजीरियाई निवासियों पर भीड़ ने हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस को लाठी भांज कर भीड़ को खदेड़ना भी पड़ा। हमले को मनीष की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने नाइजीरियाई छात्रों के खिलाफ गुस्से से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मारपीट के कारण की पुष्टि अभी तक नहीं की है। ये विषय गंभीर है और इसको राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार ने भी लिया है, और मैं इतना ही कह सकता हूँ राज्य सरकार के तरफ से कि इस पे जो भी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई इस पे होगी और शीघ्र होगी, और जो भी दोषी है उनको उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई करनी है कानून के तहत उस पे की जाएगी।